अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका TV31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। SOT राजेंद्र नगर ने अतापुर पुलिस के साथ मिलकर एक और गांजा सप्लाई करने वाली गैंग को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ले जाने वाली गैंग को 22 लाख रुपए के गांजे के साथ 6 अफराद को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 लेडीज भी शामिल है। सुनते हैं तफसीलात DCP राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी की जुबानी। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपना स्पेशल ऑपरेशन टीम रमना रेड्डी आईएनआर SOT इंस्पेक्टर उलोम का टीम और अतापुर इंस्पेक्टर यादगिरी उलोम का टीम अपना मिलके एक ऑपरेशन में अपना अतापुर लिमिट्स में एक रुणाल दास, विजय, प्रदीप, सत्यनारायणा, सावित्रा और रुणाल दादा, ये अपना कस्टडी में A22, A7, उसके A8, A9 जो है प्रदीप सोलंकी और बाल आवरकर, ये दो जने अभी एब्सकॉन्डिंग में हैं और कुणाल दास भी एब्सकॉन्डिंग में हैं। ये लोग अपना बरमपुर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से ये गांजा लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हुए ये हैदराबाद पहुँचे हैं अपना अतापुर लिमिट्स में। यहाँ से जो है वो लोग अपना बीड के तरफ जाने का है महाराष्ट्र स्टेट में। ये गांजा जो स्मगलिंग कर रहे हैं लोग पैसे के लिए, एक चूड़ी बेचने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले उसके ऊपर डाल के पूरा ऐसा मोटा बना देखे ये लोग ये गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अपन 3-4 दिन के पहले अपना मैलारदूरमपल्ली पुलिस स्टेशन में भी 80 किलो का गांजा पकड़े थे। इसमें भी ये जो लोग हैं परभनी, जालना और बीड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ये लोग वहाँ जा लेके जाके जो 5,000 के चीज़ यहाँ खरीद करते हैं वो 20-25,000 किलो से वहाँ बेचते हैं। ये पूरा जुमला मिला के अपना 26 लाख रुपये का वर्थ सीज करे थे। 2 मोबाइल फोन्स भी है, ये लोगों को अदालत में पेश करेगा, बाकी जो है बाकी है वो लोगों को भी अरेस्ट कर लिएगा। और एक आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, जो बारिश की मौसम, बहुत बारिश गिर रही है 2 दिन से, नॉन स्टॉप बारिश आ रही है। अपना बाहर देखे तो मौसम अभी भी और 2 दिन और 3 दिन ये मौसम ऐसे रहता बोल के अपना वेदर रिपोर्ट्स बता रहे थे, उसके नज़रअंदाज रखते हुए हमारा पुलिस लाइन ऑर्डर और ट्रैफिक साइबराबाद पुलिस की तरफ से वहाँ ये मैनुअल्स नहीं निकालना है। पानी जाने के लिए अगर मैनुअल निकाल के कोई चले गया, उसमें जो भी बच्चे लोग आते हैं, जो भी लोग जाते हैं, वो नज़रअंदाज से उसमें गिर जाते हैं, मर जाते हैं। वैसा एक इंसिडेंट भी नहीं होना है। JHMC ऑफिशियल्स है, अपना NDRF टीम्स भी है, पूरा ग्राउंड पे काम कर रहे और JHMC वाले भी देख रहे हैं, सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। सब लोग आप इसमें बैठ के अपना सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। वैसे पुलिस पूरा फील्ड पे है, अपना जो एग्जिट 17 से सर्विस रोड से इसके पहले भी पानी ऊपर से आया और जो मूसी का फ्लो भी वॉच कर रहे हैं, अपना हिमाचल सागर और गंडीपेट की तालाबों का भी अभी उसका वॉच कर रहे हैं और 3 फीट यहाँ भरना है और उसके बाद में वो लोग गेट खोलते हैं और गंडीपेट का भी भरने के बाद और 2-3 फीट के बाद ये खोलने का रहता। अगर गेट खोले तो जो अपना हैदरगुड़ा लंगराउस से लेके हालात, इसके पहले भी 2-3 घरों में इसके लास्ट टाइम रेन्स के सीजन में थोड़ा पानी आया था। अभी जो भी स्लम्स में आप देख रहे थे असर नगर में, अगर कहीं डाउन एरियाज में वाटर लॉगिंग है तो 100 नंबर को कॉल करिए, अपना NDRF टीम्स आएगा, अपना JHMC या पुलिस जुमला मिला के सब लोग काम कर रहे, ग्राउंड पे काम कर रहे। हम भी ऑफिसर आप पूरा ग्राउंड पे फिर रहे। आज सुबह से देखे तो कहीं अपना राजेंद्र नगर के जोन एरिया में ट्रैफिक का तो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा। एक अपना NPA के तरफ से जो ब्रिज अपना फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वहाँ पर जो पानी का लॉगिंग है वह स्लो फ्लो हो जाए पानी का, उससे छोड़ के अभी अपना एरिया में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी अपना जनता, अपना जो भी राजेंद्र नगर की जनता है, वो लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ भी है तो हमारा 100 नंबर को कॉल करिए,
नहीं तो इंस्पेक्टर वो एसीपी और मेरे को भी कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। हम लोग पूरा तैयार है, आज रात में पूरा आला ऑफिसर्स हेडक्वार्टर में बैठ रहे, सो उसके हिसाब से जो पानी का मौसम के हिसाब से हम प्रिवेंट स्टेप्स भी ले रहे हैं। अभी उसके बाद में वहाँ भी लॉगिंग हो जाएगा, उसको पानी निकालने का जीएचएमसी से कोऑर्डिनेट करके निकाल रहे हैं। अपना चिंतल में झाड़ू गिरे तो भी इमीडिएट जीएचएमसी वाले क्लियर करे हैं आज, सो वैसा कुछ तकलीफ नहीं है अभी। मैं आपका मीडिया माध्यम से सबसे एक गुजारिश करूँ।